तो भैया यहाँ से तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और ऑफिशियली मैं घर से निकल चुका हूँ। 4 बजे के पहुँचने के आसार हैं कुछ। अब देखते हैं कि कितने बजे तक पहुँचते हैं। ऑफिशियली मैंने घर छोड़ दिया है। अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब हो क्या चुका है, होने वाला है। तो रात की जर्नी का मैं कुछ बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा। और ये मैं निकल चुका हूँ ठाकुरगंज से, क्योंकि मेरा घर जो है वो ठाकुरगंज एरिया में पड़ता है। ठाकुरगंज थाना यहाँ पे पड़ता है, उसके अंतर्गत मेरा घर पड़ता है। तो भैया पेट्रोल पंप आ गया है, यहाँ पे पेट्रोल डलवा लेते हैं। पहले पहला जो पेट्रोल डलवाते हैं वो 700 रुपये का डलवाते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये तो कहीं और ही चले गए भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, पेट्रोल मैंने 800 रुपये का ले लिया है। और ये क्या हुआ भाई, ट्रैफिक का कोई सेंस नहीं है, कहीं से भी आ रहे हैं कहीं से भी जा रहे हैं। हवा भी मैंने चेक करा ली है गाड़ी की। और अब मैं एक हाईवे की तरफ बढ़ चुका हूँ जहाँ से रास्ता कटेगा दिल्ली के लिए। 330 किलोमीटर यहाँ से तकरीबन 340 किलोमीटर आगरा है, और वहाँ के बाद पता चलेगा कि भैया अभी और कितना जा सकते हैं। और कोई तो एक ऐसा टर्न है जो मैं भूल रहा हूँ, जो मुझे याद नहीं आ रहा है। मोहन, कन्नौज, काकोरी, भीड़ तो बहुत लगी हुई है। और लखनऊ का अपडेट ये भी है कोविड के चलते कि रात में 11 बजे तक अब शहर खुला रहेगा। और पूछ लेते हैं एक बार, ताकि बहुत आगे लंबा निकलने से पहले बेहतर यही कि पूछ लेते। लेकिन वही बात है ना, पूछें तो किससे पूछें। आगे से रास्ता एक जुड़ता तो है, वो तो मुझे पता है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं भी एक बार जरा रुक कर पूछ लेता हूँ। भैया आगरा एक्सप्रेस वे यही है? अच्छा भैया ठीक। और देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। और बिस्मिल्लाह करता हूँ मैं इस रोड के लिए। अखिलेश यादव जी की देन है यह आगरा एक्सप्रेस वे, जिसपे मैं तो कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ। मतलब मैं तब ट्रैवल कर चुका हूँ जब इसका टोल का कोई अस्तित्व नहीं था। और मैं तो तब यहाँ पे आया था पहले, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब एक पेट्रोल पंप नहीं था, कैफेटेरिया नहीं था, पंचर बनाने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इवन सर्विस नंबर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और 1 2 3 4 5 6 लेन रोड है, सर्विस लेन अलग से है इसमें। लेकिन फिर भी बड़ा संभल के जाना होगा, क्योंकि ये रास्ता जो है वो एकदम सीधा है। तो कोशिश करूंगा कि आराम से जाऊं। और भाई टोल गेट अब आ रहा है, और यहाँ पे इंडिया का, मतलब इंडिया में नहीं, यूपी में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे टोल पड़ता है। जैसे ये टोल पड़ेगा, अब यहाँ पे कितना टोल पड़ेगा। मैंने कभी बाइक से तो मैं आया नहीं हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं बाइक से आया हूँ। तो कोशिश करूँगा कि बाइक अगर साइड से कहीं निकल रही है तो निकाल ले जाए, लेकिन फिर आगे दिक्कत ना हो, तो इस वजह से भी। तो देखना ये है कि किधर जाएंगे। इधर बता रहे हैं इसका टोल, बाइक का भी टोल है। और कितना है भाई आगरा? 300। तो बाइक के लिए कोई ज़्यादा टोल नहीं है यहाँ पे? 707। हाँ, 1 रुपये पर किलोमीटर, 300 रुपये यहाँ पे बाइक का टोल है। और इसके आगे भी 205 रुपये बाइक का टोल है, क्योंकि वो भी 200 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। और ये रोड आप देखिए, इतनी चौड़ी रोड आपको कहीं देखने को मिलेगी कहीं? सोचने वाली बात है। यहाँ से 238 किलोमीटर ये रह गया है आगरा। और 7 बजे मैं चला था, अपने आगरा एक्सप्रेस वे पर चढ़ा था। हेलमेट का वाइज़र ऑन करके चल रहा हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है मच्छरों की। तो अब ये देखिए, इतनी खूबसूरत प्यारी रोड है कि यहाँ पे 100 तो मतलब कॉमन है। चलो जी, अब एक काम करते हैं, कुछ खा लेते हैं। खाने का मतलब है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, आगे ही चलते हैं, वही सही रहेगा।
अगर कुछ नहीं भी मिलेगा अभी खाने पीने के लिए तो अपन लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ी आगरा में जाके खा सकते हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच जाएंगे और आई डोंट थिंक सो कि आगरा 11 साढ़े 11 बजे तक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं कि चाय वाय कुछ मिल जाए, क्योंकि 200 किलोमीटर तो मैं आ गया हूँ। आगरा यहाँ से महज 110 किलोमीटर कुछ बाकी है, लेकिन बस यही प्रॉब्लम यही है कि गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि गाड़ी छोड़ के अगर जाएंगे तो सामान पूरा लेके जाएं और दुनिया भर की चीज़ें करें उसमें। तो अब यही है, गाड़ी छोड़ के तो नहीं जा सकते। अखिया फिर अब देखना यही है कि क्या बहुत अंदर है सब जो मिल रहा है, वो मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत अंदर है। तो इससे बेहतर यही है कि चलो अपन लोग आगरा में ही रुकते हैं, वही सबसे बेस्ट रहेगा। 200 किलोमीटर तो हम लोगों ने पार कर लिया है और आगे अब देखते हैं कि कितना और जा सकते हैं। पेट्रोल डलवाने की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम मैं जहाँ रुका था वाटर ब्रेक के लिए, वहाँ से फिर मैं तकरीबन 70 किलोमीटर आ चुका हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगरा ही रुकूँगा आज, क्योंकि अभी आगे बढ़ने का दिल्ली बढ़ने का कोई मतलब नहीं उठता है। दिल्ली में सुबह ही निकलूँगा, बिकॉज़ यमुना एक्सप्रेसवे भी है, वो भी ईज़िली क्रॉस हो जाएगा 3 घंटे में। बट वहाँ पर वही बात है ना, रात में होटल सर्च करना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी मैं आगरा पहुँच जाऊँगा 12 बजे से पहले, तो मेरे लिए होटल सर्च करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लो जी भैया, हम तो आ गए आगरा और अब यहाँ से एक तलाश फिर से शुरू हो रही है। एक दो तो मुझे पता है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी, और वो ताज महल के आसपास में है। अब वही बात है, देखना ये है कि अब की सिचुएशन क्या है, कैसे मिलेगा, क्या चार्जेस होंगे। मेरा जो होटल है वो यहीं कहीं आसपास है। अभी यहाँ पे शायद मेट्रो का काम शुरू हो चुका है आगरा में। यही है लोकेशन भाई, द ताज एनक्यू। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या हो रहा। तो इस वक्त होटल में अपने आ चुका हूँ। होटल जो मुझे मिला है वो मिला है 615 रुपीज़ का, 615 रुपये। ये मेक माई ट्रिप से मैंने बुकिंग कराई थी। होटल द ताज इन है, रूम ठीक ठाक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसी एपिसोड में आप ये भी सफ़र देखेंगे कि दिल्ली तक का सफ़र, क्योंकि अभी रात में लखनऊ से आगरा कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ सीधी एकदम रोड थी यार, बोरिंग रोड थी सीरियसली। एक कैफ़े नहीं, एक पंक्चर वाला नहीं, एक मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और जो कैफेज थे वो आपने देखे कि वहाँ पे जाना अभी सेफ नहीं था। जो अभी मैं गंदा करने वाला हूँ, एसी लगा हुआ है, डबल बेड है एंड यहाँ पे कबर्ड है, टीवी है, एक टेबल है, एक फ्रिज है यहाँ पे मुझे जो मिला है। अगर मैं आपको वाइड एंगल में दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिखता है ये। और 615 रुपये में तो मुझे तो ठीक लगा, 615 रुपये में ये रूम मुझे सही लगा। तो भैया अगली सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, और मेरा जो होटल था, होटल द ताज इन, हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। मैं आगरा के बिल्कुल बीच में ही हूँ, या ताज महल यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन मैं ताजमहल नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अली वदत। अब मेरे हिसाब से यहीं से जाना है शायद। लास्ट टाइम जब मैं आया था अपनी फैमिली के साथ तब भी यहीं पे रुका था, हॉस्पिटैलिटी तब भी अच्छी थी, रूम सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, रेट्स भी ठीक ठाक थे, और महज मुझे 619 रुपये में ये रूम मिल गया। तो 9:30 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगरा से, और बड़ी ज़ोरों शोर से यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि इस 2-3 सालों में मेट्रो यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये भाई साहब जो हैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई किसी को मना नहीं कर रहा है। अभी हमारे वहाँ होता तो चालान हो गया होता इतनी देर में।
मैं से कोई मना नहीं करता ना कि फ़ोन पे बात ना करो, ये ना करो, ना करो, पेट्रोल डलवाते समय पहले कार्ड से ले लो यार। स्टार्ट करना है पहले? हाँ, कितना करना बताइए। चलो भाई, पेट्रोल डलवा लिया है, 800 रुपये का, 800 रुपये का कल पेट्रोल डलवाया था लखनऊ से जब चले थे, 800 रुपये का फिर पेट्रोल डलवा दिया है जब आगरा से चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। अब यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे हम लोग को पकड़ना है, और यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो है तकरीबन 200 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है। इधर से ही मैं आया तो था, बट क्या इधर से ही जाना है ये कन्फर्म है। अब देखना ये है कि क्या यहाँ पर भी टोल पड़ रहा है, अगर टोल पड़ रहा है तो भाई दिया जाएगा, नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं। यार टोल तो लिया नहीं इन लोगों ने यार, सुना था 205 रुपये का टोल है यहाँ पे। यहाँ पे पीओसी भी बनवा लिया जाए, कहाँ बनेगी, कौन बनाएगा पीओसी। चलो भैया, जो एक टेंशन थी पीओसी की, वो भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी मैंने बनवा लिया है। 100 रुपये लगे पोल्यूशन सर्टिफिकेट के, वैसे ज़्यादा लिए इसने, अमूमन 60 या 70 रुपये पड़ते हैं। यहाँ से 204 किलोमीटर है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, गाड़ी में पेट्रोल है, टोल के पैसे हैं 100-150-300 रुपये, 200 रुपये खाने के लिए हैं कुछ ना कुछ रास्ते में, तो चलो चलते हैं दिल्ली की तरफ। अब ये टोल है जो बाइक्स के लिए, कार के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, देखो यहाँ से बताया गया। अब इसका मेरे ख्याल से 205 रुपये वो लेंगे हमसे। 7479 नोएडा, जहाँ तक ये जा रहा हो। ये थोड़ा सा है कि टोल ज़्यादा है यहाँ बाइक्स के लिए, 300 रुपये वो टोल गया, 205 रुपये ये टोल गया, 500 रुपये एक तरफ का टोल खाली बाइक्स के लिए, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए था। चाय पीने की तलब लगी है क्योंकि सुबह ना ब्रेकफास्ट किया ना चाय पिया, कुछ भी नहीं किया और चुपचाप चले आए। तो चाय पीने की एक तलब तो है भाई कि चाय तो बनती है और चाय पिया ज़रूर जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या मिल सकता है। गाड़ी यहाँ लगा देते हैं और सुबह की पहली चाय बहुत ज़रूरी होती है, और मैं चाय जब भी बाहर जाता हूँ तो बिना चीनी की चाय पीता हूँ, बिना शक्कर की चाय, क्योंकि बिना शक्कर की चाय जो होती ना वो एक ही टेस्ट की होती है, और जिसमें क्योंकि चाय का जो मज़ा जो ख़राब और अच्छा जो होता है वो चीनी से ही होता है। तो बस यहीं पर एक है बीच में भी हम लोग, ये मैजिक फूड जोन है, यहाँ पे ही है सबवे है, मतलब सबवे नसेंस यानी कि रोड के बीच में है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आके रुकती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैफेज़ हैं, बरिस्ता है, बहुत अच्छा फूड यहाँ पे मिलता है, तो आप भी आइए रुकिए। चलो भैया चाय हो गई, अब निकलते हैं यहाँ से नोएडा की तरफ, और नोएडा यहाँ से जो है वो ठीक ठाक दूर है, तो बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं करना चाहिए मुझे, पर हाँ ये ज़रूर है कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। एक बार फिर से चाय पीने की तलब लग गई है, और एक कैफेटेरिया है अच्छा, एमरेली और समथिंग कुछ ऐसे नाम है, तो चलो यहाँ पर कार्ड भी चल जाएगा, लग तो ऐसे ही रहा, और फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या और किया जा सकता है। फ़िलहाल तो अभी यहीं पर ही हैं,
और बीच में एक मैंने छोटा सा ब्रेक और लिया है कुछ खाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ चाय पी थी वहाँ पे। और यहाँ पे मुझे पार्किंग बहुत अच्छी मिल गई, बिल्कुल एकदम फ्रंट पर मुझे पार्किंग मिल गई, मुझे मेरी गाड़ी दिखाई दे रही है। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो एक मेंदू वड़ा मैंने ले लिया, एक चाय मैंने ले ली, एक वाटर बॉटल मैंने ले ली। 268 का बिल बना है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा कैफेटेरिया है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो काफ़ी इस हाईवे पे आपको ऐसे कैफेटेरियाज मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा इन लोगों के एफर्ट को। और चलिए अभी देखते हैं कि मेंदू वड़ा कैसा आता है। तो भैया ये आ चुका है मेरा मेंदू वड़ा, ये इसकी सांभर चटनी, नारियल की चटनी, वाटर बॉटल, और टेस्ट कैसा है देखना पड़ेगा। सांभर अच्छा है इनका, अमरेली वेंगो है यहाँ पे, कोस्टा कैफे है यहाँ पे, पिज़्ज़ा हट है यहाँ पे, एंड द फूड स्ट्रीट और समथिंग इज़। कितना अच्छा यहाँ पे कैफेटेरिया है, अच्छी जगह है, पार्किंग बहुत अच्छी बनी हुई, सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ से अपनी गाड़ी देखूँ तो मुझे मेरी गाड़ी भी दिखाई देगी, सेफ जगह पे खड़ी हुई। ये एक ऐसा कैफ़े है जहाँ पे मैं ये समझ सकता हूँ कि आप आके थोड़ा सा इन्जॉय कर सकते हैं, बीच विडवे है, और सबसे अहम बात क्या है कि रेट्स भी रीज़नेबल हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, हाँ, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है। दिल्ली आगरा से जब आप दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में ये है, ऑलमोस्ट बीच में है ये। तो भैया चाय भी आ गई है, चाय के साथ शुगर फ्री भी है, और चाय कुछ मसाले वाली चाय लग रही है, चाय बहुत बढ़िया है भाई। अब देखना ये कि टेस्ट कैसा है इसका। चाय का एक सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि चाय हमेशा जो अच्छी और ख़राब जो बनती है वो चीनी से बनती है। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा उसमें शक्कर डाल दी तो ख़राब हो जाएगी, कम डाली तो वो कड़वी रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये चाय के साथ इसी वजह से अच्छी और बुरी बनती हैं। वो जा रहा है हाईवे सामने से, और ये है अपना कैफे द फूड स्ट्रीट। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, और यहाँ पे आई थिंक शायद पर्ची चेक होगी, जो रिसिप्ट आपको मिली है वो चेक होगी, इधर या उधर, इधर या उधर, कहीं पर तो होगी। अब देखना ये है कि मैंने वो पर्ची रखी कहाँ पर है। ये तो फूड जंक्शन की है ये। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन इन लोग को मालूम होता कि इनकी पर्चियाँ कौन सी हैं क्या है। तो भैया देखिए अब तो आ गए हम लोग नोएडा। नोएडा जो है ये यूपी का ही पार्ट है, मतलब ग्रेटर नोएडा भी यूपी का ही पार्ट है। सबसे पहले तो मैं एक होटल ढूंढूंगा जहाँ पे मैं सामान रखूँ, उसके बाद मैं जो हूँ निकलूँगा कुछ काम से, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और मुझे बच गया लगभग, मुझे लग गए यहाँ पे 9:30 बजे मैं निकला था। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो मैं बाइक से नहीं आऊँगा। अगर 3-4 लोग हैं आपके तो कार से आना आपका ठीक बैठता है, पर अगर आप वैसे अकेले आ रहे हैं, बिज़नेस टूर है आपका, तो आप ट्रेन से आओ तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। अब यहाँ मैं दिल्ली आ चुका हूँ, अब यहाँ से मेरा एक सफ़र शुरू हो रहा है। वो सफ़र है लाजपत नगर का। तो लो जी, मैंने अब की बार होटल बुक नहीं किया है, मैंने अब की बार हॉस्टल बुक किया है। ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने बहुत पहले जब कॉलेज में थे तब लिया था, उसके बाद से कोई एक्सपीरियंस लिया नहीं है ऐसा। तो चल रहे हैं, अब देखना ये कि पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। मैंने अभी कॉल किया था तो कह तो रहा है कि पार्किंग आप बाहर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हॉस्टल का नाम है हाइड इन हॉस्टल, हॉस्टल में छुप जाओ। अच्छा है, मतलब थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा। कहीं पे तो हूँ, मुझे लोकेशन श्री औरबिंदो मार्ग, श्री औरबिंदो मार्ग में। तो ट्रैफिक खुल गई है, अब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का एक रास्ता है। अब यहाँ से लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे भाई। आगे से लेफ्ट तो कोई है नहीं, यही लेफ्ट दिखा रहा है, यही लेफ्ट पे जाएंगे।
भैया ये कोई हाइड इन हॉस्टल यहाँ पे हॉस्टल को यहाँ पे अच्छा हो भी सकता है ऐसी गलियों में ऐसी जगहों पे कि हॉस्टल बना दिया गया हो। सर ये हाइड इन हॉस्टल यही है। गाड़ी अंदर लगा दे बाहर लगा दे गाड़ी यहाँ लगा दे कहाँ लगा दे गाड़ी गाड़ी यहाँ लगा दे। मुझे लग रहा है ऐसा कि कोई है नहीं यहाँ पे। चलो देखते हैं। तो यहाँ से करोल बाग की जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से लेफ्ट जाना है लेफ्ट ही दिखा रहा है ना और लेफ्ट जाना है। मैंने एक डॉर्मेट्री ली थी बट दिमाग में ये आया कि चंडीगढ़ चलते यहाँ सो के क्या ही कर लेना है। तो चंडीगढ़ यहाँ से तकरीबन 280 किलोमीटर है और उसके बाद चंडीगढ़ के बाद अमृतसर जाएंगे नहीं जाएंगे ये देखना है क्योंकि अमृतसर भी 270 किलोमीटर है चंडीगढ़ से। 200-300 मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अकेले ड्राइव करना। मसला क्या है कि बोर हो जाते हैं। हाई ऑन बर्गर्स अग्रवाल आई इंस्टीट्यूट दिल्ली भी बड़ी हैपनिंग जगह है लेकिन तब जब आपकी फैमिली आपके साथ में हो आपके दोस्त या आपके साथ में हो या आपकी फैमिली आपके साथ में हो अकेले आप मॉन्यूमेंट्स घूम सकते हैं अकेले आप टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते हैं लेकिन मज़ा नहीं आएगा आपको। तो उस मज़े को लेने के लिए आप अब यहाँ से जाना है लेफ्ट। तो भैया ऐसा है कि मोबाइल का होल्डर भी लगवा लिया जैसे देख रहे हैं अब मोबाइल अभी लगा हुआ है होल्डर में और बेबो का होल्डर है बेबो बोबो क्या है जो भी है और एक सीट कुशन ले लिया है जी और एक बंजी कॉर्ड ले ली है। जो सारी चीज़ें पड़ी हैं ये पड़ी हैं मुझे 3800 की 3800 रुपए की और अब मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ की तरफ। और अब चंडीगढ़ ये मुझे बता रहा है कि रात में 3 बजे मैं 2:30 बजे 2:39 पर पहुँचूँगा। तो मैं इतनी देर बजे तो नहीं पहुँचूँगा मैं उससे देर से ही पहुँचूँगा क्योंकि मैं बीच में कहीं रुकूँगा खाना पीना खाऊँगा। मैंने सुबह से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है और एवरीथिंग इज़ फाइन पेट्रोल भी डलवा लिया है सब चीज़ें ओके हैं बेस्ट हैं सारी चीज़ें। अब अल्लाह का नाम लेके बस बढ़ते हैं कहते हैं या अली मदद और आप बस मुकाम पे पहुंचा दीजिए। चलिए आगे मिलते हैं। तो अब ऐसा है भैया कि चांदनी चौक सॉरी चंडीगढ़ जो है वो नहीं जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है और वापस मेरी गाड़ी लखनऊ की तरफ मुड़ गई है लेकिन उससे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना शायद किस्मत में नहीं लिखा है चंडीगढ़ लेकिन नेक्स्ट टाइम ट्रेन से जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि वन शॉट में लखनऊ यहाँ से कर दे। होता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं होता है तो फिर आगरा में कहीं रुक जाएंगे। मैं आपको सच बताऊं मैं इस वक्त चांदनी चौक में हूं और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं गाड़ी कहीं खड़ी कर सकूं बिकॉज भाई मतलब आदमी कैसे कैसे खाए कैसे उठे कैसे बैठे इतनी भीड़ है यहाँ पे और इतनी यहाँ पे ज़बरदस्त मतलब हर कोई खाने के ऊपर टूटा पड़ा हुआ है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उतर के जाऊँ। पहले तो मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है और दूसरे क्या है कि मेरी गाड़ी और पूरा सामान खोल के लाद के तो ले नहीं जा सकता रेस्टोरेंट के अंदर इतनी जगह भी नहीं होगी मतलब खुद खाने बैठे हो 3 लोगों की सीट घेर ले। बाकी मैं क्या बोलूँ अभी अब तो भाई कहीं और कुछ मिलेगा तभी खाएंगे यहाँ तो नहीं खाएंगे। और यहाँ से तो मैं निकल आया हूँ चांदनी चौक से बाहर लेकिन सीरियसली मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत गुस्सा इस वक्त आ रहा है क्योंकि मैं बड़ी उम्मीद से आया था कि ये खाऊंगा वो खाऊंगा सीख कबाब खाऊंगा और ना फ्राई चिकन खाऊंगा और दुनिया भर की चीज़ें लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं कुछ भी खा सकूं मैं कहीं बैठ सकूं कहीं उठ सकूं। बस अब यही कहूंगा कि भैया चलो लखनऊ की तरफ अगर कुछ रास्ते में मिल जाए तो खा लिया जाएगा अन्यथा नहीं।
मैं गूगल मैप के सहारे ही चलूँगा, क्योंकि गूगल मैप ने जो रास्ते से मुझे निकाला है जामा मस्जिद पे, और मैं तो कहूँगा कि गूगल मैप को जितने भी अवार्ड आते हैं आज तक के सारे वो दे देने चाहिए। ये बता रहा है 8 घंटे 44 मिनट में मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगा, यानी कि 9 घंटे में। 525 किलोमीटर है, सुबह 6:30 बजे ये पहुँचाने की बात कर रहा है। मैं ये मान लेता हूँ कि सुबह 6:30 नहीं, सुबह अगर मैं 7 बजे भी पहुँच गया, 7:30 पर भी पहुँच गया, तब भी मेरा काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं दूसरे को जाने का रास्ता दे देता हूँ, पता नहीं हो सकता वो जाना चाहते हैं। तो आज मेरी रात बीती होटल रिट्रीट में, लग्जरी होटल। बाहर से देखने में तो कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर के रूम्स वगैरह इनके और सर्विसेज वगैरह कुछ ठीक ठाक थी, सारी चीज़ें मुझे ठीक ही लगी। और अब मेरा जो सफ़र है वो चल पड़ा है लखनऊ की तरफ। अनफॉर्चुनेट मैंने जैसे बताया मैं चंडीगढ़ नहीं जा पा रहा था, बिकॉज़ कुछ काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया था। तो अब मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, पर मैं चंडीगढ़ जाऊँगा 9 और ये होटल जो मुझे पड़ा था 979 का होटल पड़ा था, और होटल अच्छा था, एसी पूरी रात बहुत अच्छा चला, टीवी था, फ्रिज था। मैं रूम का टूर आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि वही सेम सारी चीज़ें, कोई बहुत अलग तो होता नहीं है। भैया 900 का पेट्रोल आ गया है इसमें, और अब लखनऊ मुझे लगता है पहुँच ही जाएगी। क्यों लखनऊ नहीं, कल 800 डलवाए थे यहीं से, दिल्ली तक गए थे, रिजर्व में आ गए थे, यहीं से डला ले गया था। नहीं तो लौट के थोड़ी आए थे, वहाँ डलवाए थे 800 का। फिर तो मेरा जो आइडिया था यही कि 800-900 का पेट्रोल इसमें आएगा, इसलिए मैं 800-800 का पेट्रोल डलवा रहा था, क्योंकि रिजर्व में आने के बाद ये 800 का पेट्रोल मांगती है। एक चाय पी ली थी, एक समोसा खा लिया था, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। टोल के फौरन बाद ये पड़ता है, या कह दिया जाए कि टोल से पहले पड़ता है। चलिए मुलाकात होते हैं फिर कभी किसी अगले सफ़र में।